बॉलीवुड में एक और सुसाइड। हर कुछ दिन में एक खबर ऐसी सुनाई आ जाती है सुसाइड की। ये चल क्या रहा आखिर बॉलीवुड में, वैसे क्या कुछ गड़बड़ है? और अगर इस तरह की सिचुएशन नॉर्मल लाइफ में आती है तो हमारे युवा क्या सोचते हैं, कैसे डील करें इस तरह की सिचुएशन से ताकि कोई सुसाइड हो नहीं? चलिए बात करते हैं बच्चों से, युवाओं से। आई थिंक सुसाइड इज़ नॉट एन आंसर फॉर एनीथिंग, एंड चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बट सुसाइड तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए किसी को भी। बट आई थिंक सुसाइड इज़ नॉट एन आंसर, हाँ, कि कुछ भी हो गया तो सुसाइड इज़ लाइक, आप इतने वर्ड्स पे भी नहीं पहुँच सकते कि आप सुसाइड करोगे। इसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं था, मैं यही कहूँगा कि इसका कोई सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता। वो चाहती तो ठीक है, अगर उसे पता चला कि किसी और के साथ है तो वो अलग हो जाए उनसे, मतलब उसको नॉर्मल ले ले। नॉर्मल नहीं, ठीक है, आप बहुत पेनफुल होता है, लेकिन इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि सुसाइड, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। क्या ये नॉर्मल लेने लगे क्या इस तरह की चीज़ों को, नॉर्मल लेने लगे? हाँ जी, मेरे को भी लगता है नॉर्मल लेना चाहिए। कैसे नॉर्मल ले लें? बिकॉज देखो, वन तो करना ही है, एंड सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन व्हाट आई फील। सुसाइड ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। आप लाइफ को किसी, उसको अगर अगर किसी को ये पता लगे कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं इन्वॉल्व है तो वो निकल जाए, उसको ये इसको मान लेके एडजस्ट कर ले अपने आप को, दिमाग को एडजस्ट कर। बात करनी चाहिए दोनों तरफ से, एक अंडरस्टैंडिंग और एक ब्रेक पे आना चाहिए, म्यूचुअल पॉइंट। ऐसा भी नहीं कि चीट होता रहे, दोनों साइड से होता रहे, नहीं, एक पॉइंट पे आपको बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात भी ना करो, कुछ भी ना करो, आप सुसाइड करो। आई डोंट, मतलब अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो अपनी लाइफ को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें किसी को काफ़ी अफेक्ट करती है, एंड वो उससे बाहर आ सकते हैं, पर कोई कोई नहीं आ सकते। तो लेकिन आई थिंक ये सब आसपास के लोगों के ऊपर डिपेंड करता कि उस सिचुएशन में वो कैसे उसको लाइक नॉर्मल होने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड होती तो आसपास के लोग कैसे करते हैं, आसपास में आप होती तो कैसे हैंडल करती हैं आप? उसके साथ जितना से हो सके टाइम स्पेंड करते, अकेले होने नहीं देते। बिकॉज जब आप अकेले रहते हो ना, तो आपका माइंड उसी सिचुएशन में कितना ना एक लूप होल में आप घुसते चले जाते हैं, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। तो जितना हो सके उसे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, बाहर उसे जाना चाहिए, घर पे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने सही काम नहीं किया, सही समय पर उसको पकड़ लेना था उसको? ऐसा है कि बहुत लोगों को पता नहीं चलता, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि किसके साथ क्या हो रहा है, तो मे बी उन्होंने नोटिस नहीं किया हो, चेंजेस ऐसा हुआ होगा, या फिर आई डोंट नो, कह नहीं सकते आप, बस इमेजिन कर सकते कैसा सिचुएशन था कि किसके साथ क्या हो रहा है, लाइक हमें पता नहीं होता। लाइक कहते हैं ना, लाइक फेक वर्ल्ड, लाइक आप प्रिटेंड कर रहे होते सही होने का, पर आप होते नहीं हो। तो कई तरीके के चेहरे होते हैं, कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? ट्रस्ट कैसे आप कैसे ट्रस्ट करती हैं किसी पे? ट्रस्ट होना, इट्स किसी पर करना नहीं होता, अपने आप हो जाता टाइम के साथ। बहुत सारे सिचुएशन में आप क्या, लाइक टाइम ही डिसाइड करता है कि कौन रियल है कौन फेक है। आप किसी पे ट्रस्ट करना चाहते हो इसलिए ट्रस्ट करते हो, एंड सिचुएशन ही बताता है। युवा पीढ़ी कह रही है कि पीयर जो ग्रुप होता है ना, आसपास के लोग होते हैं, वो भी भूमिका निभा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आजकल की यूथ है वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ तक कि जितना आप अपना टाइम फालतू चीज़ों में यूटिलाइज करोगे उतने ही आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगे। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर आप अपना जो टाइम है वो अच्छी जगह यूटिलाइज करेंगे, दोस्ती तो करना या रिलेशनशिप रखना फालतू चीज़ है? नो, इट्स नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। रिलेशनशिप में आना, इट्स नॉट रॉन्ग, पर किसी पे इतनी जल्दी भरोसा कर लेना, इट्स रॉन्ग। लाइक उसको पहले समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ता है, फिर ही हम लोग को देखना चाहिए आगे। तो रिलेशनशिप कैसे समझेंगे? ये इन्होंने कहा कि रिलेशनशिप तो फालतू टाइम नहीं देना चाहिए। नहीं, नहीं। वो चीज़ें फालतू नहीं होती, बट उसको आप, वो इंसान कैसा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। आप उसको कितना जानते हो, वो आपको कितना जानते, मतलब इंसान जरूरी है रिलेशनशिप में आना। लेकिन अगर अगर कोई पहले से रिलेशनशिप में है और दूसरे के साथ में रिलेशन बनाता है तो ये ठीक है क्या? नहीं, ये गलत है, टोटली गलत है, ये गलत है। अभी हमें किसी ने कहा कि ये तो चल जाएगा, उसको पता लग गया कि भाई वो रिलेशनशिप में था तो वो निकल जाए चुपचाप से। कोई तुम पे इतना भरोसा कर रहा है, तुम उसको चीट करोगे, ये चीज़ सही थोड़ी है। चीट करना सही नहीं है, चीट करना सही नहीं, ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग। पर ऐसी स्थिति में फिर क्या करे, कैसे निकले, इतना प्रेशर बढ़ गया उसके। पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, कुछ भी ऐसा हो तो पेरेंट्स
पेरेंट्स को बता के रखना चाहिए, पेरेंट्स से सपोर्ट लेना चाहिए और दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और उसके बाद अपना फोकस उस जगह से हटाना चाहिए ताकि अपना करियर बिल्डअप करने में फोकस हटाओगे। सुसाइड इज नॉट अ वे उस चीज को वो करने का, अवॉइड करने का, डील करने का, सुसाइड वे नहीं है, उसको पहले समझना पड़ता है वही, और पेरेंट्स को पहले से बताना चाहिए। एक बात आई कि श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस हुआ था ना, वो जो चॉपिंग वाला, उसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, तो क्या धर्म भी आजकल डिसाइड कर रहा है रिलेशन? नहीं जी, नहीं। काफी टाइम से देखने को आ रहा है कि रिलीजन में काफी हेटिज्म आ रहा है, तो अब उसके बेसिस पे लोग काफी जज करते हैं और कुछ मेंटल बेसिस पे होता है लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है, बट हेटिज्म होना नहीं चाहिए किसी रिलेशनशिप में। इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, कास्ट रिलीजन वगैरह को नहीं इंक्लूड करना चाहिए। इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, ये मैसेज बड़ा है, बड़ा मैसेज है। चलिए बात करते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी के साथ में कि पता लगे कि रिलेशनशिप कहीं और भी चल रहा था, तो कैसे हैंडल करें? सर देखो, मैं कभी रिलेशनशिप में आया नहीं हूँ जनरली, तो मुझे इतना कुछ आइडिया है नहीं। अब वो उनके ऊपर होता है वो कहने, आपकी इच्छा नहीं हुई या क्या लड़की ना मिली? ना ऐसी बात नहीं, मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई, मेरे को काफ़ी बाकी गोल्स हैं। गर्लफ्रेंड तो हो जाती हैं आपके एज में, तो गर्लफ्रेंड बहुत होती हैं, होती है लोगों की होती है, लेकिन मेरे को शौक ही नहीं आया इन अभी चीज़ों का। देखिए कई लोग हैं जो बिल्कुल अपनी दुनिया में मस्त हैं, ऐसे लोग भी अच्छे रहते हैं। हम जी गाड़ियों से प्यार करते हैं, हम गाड़ियों से प्यार करते हैं, हमारे हमारी गाड़ी बड़ी होती है, देख लो जी ये हमारी गाड़ी है। जी आप भी गाड़ी से प्यार करते हैं? जी हम गाड़ी से, हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते, गाड़ी से भी करते हैं। मतलब ये वो, ये आप भी ऐसे हैं, लड़की से प्यार नहीं करना गाड़ी से करना है? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ नहीं, लड़की से भी प्यार करेंगे, लड़की से भी प्यार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर आपने तुनिशा वाला केस सुना तो क्या ख्याल आया पहले? बुराई लगा जी सुन के, किसी की मृत्यु हो गई, बुराई लगा बिल्कुल सुन के, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। किसी घर, किसी के घर कैसे कैसे हैंडल करें, बहुत बहुत प्रेशर हो जा रहा है रिलेशनशिप में आजकल। आजकल रिलेशनशिप ट्रस्ट वाला मामला है ना, बात सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है मेरे हिसाब से, तो ओवरऑल लाइफ में देखो, जैसे आपका समय, आप फादर की एज के, हमारे आपके लिए टाइम की बात अलग, इतना बड़ा कर दिया मुझे लेकिन चलो हाँ। अरे नहीं नहीं तो बेसिकली आपके टाइम की बात अलग थी, अब हमारे टाइम की बात अलग है। मेरे हिसाब से आजकल के जो मतलब दौर है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो नॉर्मल जिंदगी का प्रेशर, ऊपर से जब रिलेशनशिप का प्रेशर आता है ना, तो वो चीज़ फिर सब कुछ एक साथ अटैक करता है। फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप मेंटली इनस्टेबल हो जाते हो ना, तो आप सुसाइडल फेस में कब जाते हो या आप कब कुछ कर बैठते हो, आपको खुद को नहीं समझ आता, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वो यही था, किसी की सिचुएशन में जब दिमाग चलना बंद हो जाए तो क्या किया जाए? देखो जब आपको फील हो, मेरे हिसाब से साइकेट्रिस्ट को या फिर अपना साइकोलॉजिस्ट कोई भी पकड़ो। अरे यहाँ तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने में लोग बोलते हैं अरे पागल हो गया, ये साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, ऐसा ऐसा बदलना है, माइंडसेट है लोगों का, बिल्कुल माइंडसेट है, बल्कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये इनकी फीस जो भी होता है, हम लोग खुद सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स का वैसे हम खा रहे हैं, भाई गाड़ी दिला रखी है, इतने महंगे कॉलेज में आ रहे हैं, और हम उन पर बोझ बने कि भैया अब हमारी मेंटल हेल्थ खराब है, कहते क्यों तुमको सब दे रखा है जो हमारे टाइम पे नहीं थे। तो बात पागल बोलने की नहीं होती, बात होती है कि हम प्रेशर नहीं डालना चाहते, वो सबसे बड़ा बात आ जाता है। प्रेशर हैंडल करना जरूरी है, आपको जाना है तो भी प्रेशर, नहीं जाना है तो भी प्रेशर, अब बंदा ना इसमें फंस जाता है। तुनिशा की मौत हुई, आप क्या सोचते हैं इस बारे में अभी? बहुत बुरा हुआ। आप लोग एक दूसरे को क्यों बोल रहे थे वैसे? क्योंकि हमें पता नहीं है इस बारे में इतना, इस बारे में पता नहीं, क्यों नहीं पता, क्यों आप बॉलीवुड वगैरह नहीं देखते हैं? इतना इन्वॉल्व नहीं है, बॉलीवुड में इन्वॉल्व यूथ कम है, क्यों है? क्योंकि यूथ हॉलीवुड की तरफ और वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, इसलिए सीरियल से कोई मतलब नहीं है? करेक्ट, छूट गया वो। क्या होना चाहिए इसमें, ये वेब सीरीज जैसे बनने लगे? ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, लाइक एपिसोड वाइज है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कोविड के बाद माहौल ही ऐसा आया कि अब सारी जो हमारा यूथ है वो वेब सीरीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो चुका है। माँ का कहना है कि धोखा दिया है जीशान ने और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से, मिलनी चाहिए। आपको क्यों लग रहा धोखा? क्योंकि किसी और के साथ भी तो चल रहा था ना उसका अफेयर, तो ऑब्वियसली दिया है धोखा, चीट करा है उसने, चीट किया। चीट की सज़ा वैसे क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो हमारे यहाँ चीट की तो कोई ऐसी ऐसा सज़ा नहीं है, प्यार में चीट की सज़ा तो ऐसा है नहीं, ये भी है ना, मॉरल ज़्यादा है वो मामला, लेकिन एक एक जान ने सुसाइड तो कर ही लिया, ये भी है। हाँ ये यही पे ही आ रहा है कि मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ
तो सुसाइड अटेम्प्ट टू सुसाइड की सज़ा आप बोल रहे हैं जो मिलनी चाहिए, है ना? कह सकते हैं आप क्या वो जीशान गलत है नहीं है, हम इस पे नहीं जा रहे हैं। गलत है बट रूल्स के हिसाब से कुछ करा नहीं जा सकता, और बंदे को खुद भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो डील कर सके ऐसी चीज़ों से। अगर उसको पता लगा कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है, थोड़ा मैच्योर होके बिहेव करना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए, इसमें किसी की गलती नहीं है। हाँ। मतलब आप ये मान रहे ना जीशान की गलती है ना तुनिशा की गलती है? हाँ, मेंटल हेल्थ के चलते तो निशा कर सकती है सुसाइड, पर हम गलती उसकी नहीं मान सकते लड़की की कि उसने करवाया है सुसाइड। बाकी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर लगता है कि लड़के ने करा है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ पे मान लो किसी एक लड़की के साथ आपका रिलेशन है और बनाने कहीं दूसरी मिल जाए तो ये तो गलत नहीं है हमारे यहाँ? ऐसा तो ट्रेंड बन चुका है इस समय, नॉर्मल ना? हाँ, नॉर्मल है। तो उस केस में ये नॉर्मल है तो फिर ऐसे तो कई लोगों के साथ घटनाएं घटेंगे फिर ऐसे तो। हाँ, फिर कैसे रोका जाएगा? थोड़ा मैच्योर बिहेव कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं है लड़का सही है तो नहीं रखिए रिलेशन। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें ओवर रिएक्ट करने वाला कुछ नहीं था। मतलब ये है कि आपको तय करना होगा कि लड़का कैसा है, व्यवहार उसका कैसा है। कैसे तय करेंगे लेकिन व्यवहार कैसा है उसका? जानिए, अचानक जल्दीबाजी में कुछ नहीं कीजिए, थोड़ा टाइम लेके उसको जानिए, बस यही है। आजकल के रिलेशन तो दो दो दिन के चलते हैं, पर जानना चाहिए, घर वालों के साथ पूरा लिंक रखना चाहिए उस बात का कि कुछ भी हो रहा हो घर वालों को पता होना चाहिए, बस पता होना चाहिए। हाँ, आपके साथ भी मान लीजिए कुछ भी होता है तो आप घर वालों को बताने में कोई हिचकती नहीं है? नहीं हिचकती। इससे क्या फ़ायदा होता है ज़रा बाकियों को भी बताइए कि क्या फ़ायदा होता है इससे? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा हो तो हमारे घर वालों को पता लग जाता है और पहले से ही वो सचेत हो जाते हैं। और वो उनकी गाइडेंस हमको मिल सकती है? मिल सकती है, हमारे बड़ों की गाइडेंस मिल सकती है हमें कि हमें किस सिचुएशन में क्या कैसे हैंडल करना चाहिए। पर आपने कहा दो दो दिन के रिलेशनशिप होने लगे, ऐसा क्यों है? ये मुझे नहीं पता। लड़के लोगों की गलती की लड़कियों की गलती है? दोनों की गलती है। लड़कियाँ भी गड़बड़ हैं? हाँ। कैसे वो मुझे नहीं पता, कॉलेज लाइफ देखी है मैंने अभी, तो अभी जाके पता लग रहा है, ऐसे मुझे नहीं पता इतना। दोनों की गलतियां हैं ये यूथ कह रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये ऑब्वियसली गलत है, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अब वो उनके बीच की बात है, इन सब मैं आपको नहीं बोलना चाहता। बीच की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा इतनी सी बात पर सुसाइड करना लड़की की भी बहुत बड़ी गलती है। इसमें ज़िंदगी इतनी सी छोटी नहीं है जिसके लिए ये बात तो बड़ी है पर इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए हम सुसाइड करें। तो लड़के की भी गलती है या फिर लड़की की भी गलती है, वो बात करती तो बात आगे बढ़ती, कुछ मतलब कोई और भी सॉल्यूशन निकल सकता था, सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों की गलती है, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। क्या किया जाए कि ये सॉल्यूशन निकल सकता है, कैसे करें? सुसाइड कभी सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है पहली बात, क्योंकि आदमी हर चीज़ अपनी कभी नहीं हारता, हमेशा उसके अंदर उम्मीद रहती है करने की, लेकिन वो दब जाती है उसके डिप्रेशन और उस चीज़ के स्ट्रेस से। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं था, उसे इस बात को दूसरे लोगों से डिस्कस करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि मैं अब इस फेस में हूँ, अब मैं क्या करना चाहिए मेरे को। तो उसने ये थोड़ा गलत किया, और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल ये ट्रेंड बन चुका है ये सब चीज़ें, तो लोग कर लेते हैं हैंडल। आपके हिसाब से ये ट्रेंड बन चुका है, ये नॉर्मल हो गया है? ट्रेंड का नहीं पता, बट सुसाइड एक सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आपके रिलेशनशिप या पास्ट में कुछ भी दिक्कत है आ भी रही है तो सुसाइड इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। आप एक बंदे से जिससे आप कुछ महीने या कुछ सालों पहले मिले हो उसके लिए मर जाना, अपनी लाइफ दे देना, एक सोल्यूशन नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या किया जाए तो कि सुसाइड रुके या इस तरह की सिचुएशन रुके? क्या लड़कों की ज़्यादा गलती हो रही है या लड़कियों की तरफ से गलती हो रही है? नहीं है, लड़कियों की भी गलतियाँ होती है कभी कभी। मैं कम्प्लीटली लड़कों के अगेंस्ट नहीं जाऊँगी इसके अंदर, तो कुछ मामलों में लड़कियाँ भी गलत होती है, बट द होल थिंग इज दैट जैसे किस मामले में लड़कियाँ गलतियाँ होती हैं? मतलब हमेशा लड़के ही धोखा नहीं देते इस वे में भी मैं बोलूँगी, एंड कभी कभी इट्स लाइक ये सुसाइड करने की जगह या आप बात सॉर्ट कर लो या आप क्लियर कर लो, पहले से ही क्लैरिटी एक रखो आपस के बीच में, एंड ताकि वो बात इतनी एस्केलेट ना हो। कुछ लोगों ने कहा नॉर्मल है, तो क्या
ये एडजस्ट कर लें अब हम, क्या यूथ एडजस्ट कर चुका है कि हाँ उसके कोई रिलेशन होंगे तो चलेगा, ठीक है ओके बाय हम नए ढूंढ लेंगे, इस तरह से फिर इस तरह से कोई भी रिलेशन कुछ दिन से ज़्यादा टिकेगा नहीं। हाँ ये गलत है, क्योंकि अगर पहले से ही क्लैरिटी नहीं है कि हाँ यही मैं सीरियस हूँ या कैजुअल है, वो पहले से ही क्लियर करो ना। अगर आप सीरियस हो तो बता दो, नहीं हो तो भी बता दो। सारी बातों में एक बात निकल कर आई है जो सबसे मुख्य है, और वो ये है कि किसी भी स्थिति में एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना है, सुसाइड नहीं करना है, आसपास दोस्तों से कनेक्ट में रहना है, घर वालों से कनेक्ट में रहना है, लेकिन इस तरह का काम नहीं करना है। एक जान मुश्किल में पड़ जाती है सुसाइड होने के बाद, कई जानें मुश्किल में पड़ जाती हैं, इसलिए ध्यान रखें।